अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अफजल भट्टी इस्लाम स्टेट एंड डीएक्स के पैनल से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैरियर होम्स के हवाले से है, बिल्डअप प्रॉपर्टी के हवाले से है। बैरियटाउन कराची ने मुख्तलिफ प्रीसेंट्स के अंदर जो है वो होम्स जो है वो बना के दिए थे। आज अगर उनके मार्केट वैल्यू की बात करें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लो हैं। हालाँकि अगर हम किसी भी प्राइवेट बिल्डर से या फिर उनको कंस्ट्रक्शन करवाने के हवाले से जाते हैं तो वही हमें चीज़ें इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना वो बहुत ही हाई रेट्स के अंदर पड़ते हैं। लेकिन जो बैरियर ने बना के दिए थे, क्योंकि एक तो उनके अंदर वजूहत ये, एक तो वह सिमिट्री है और दूसरे नंबर पे वो एक स्पेसिफिक जगह पे है और उनके अंदर आप चेंजिंग भी नहीं कर सकते, और इसके साथ ही जो एक एलिवेशन दिया गया था उसी के मुताबिक ही वो आपको परचेज करना पड़ता है और बहरिया वहाँ से आपसे मेंटेनेंस जो है वो वसूल करता रहता है। इसके बरक्स अगर आप कोई भी प्राइवेट विला बनाते हैं उसके लिए आपको जो है वो एक तो टाइम रिक्वायर्ड होता है और उसके साथ साथ उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एलिवेशन और उसके जो इंटीरियर ड्राइंग है उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं और उसको आप इंस्टॉलमेंट पर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन बहरिया होम्स जो हैं वो आप यकमुश्त पेमेंट पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन इस इन्फ्लेशन रेट्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो जो बहरिए के बने हुए घर हैं बिल्डअप प्रॉपर्टी यानी कि उसकी तरफ जो है वो आएँ, क्योंकि उनको एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं और उनकी मर्ज़ी का ऑप्शन और प्राइस भी उसी हिसाब से। और अगर हम प्राइसेस के हवाले से बात करें तो एक प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा जंप था जो कि जंप जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, और हर प्रेसेंट के अंदर हर प्रॉपर्टी के अंदर उसके साइज़ के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से 2 से 3 मिलियन का जो है वो एक गैप आया। और कोई भी क्लाइंट, और अगर इवन तो क्या अगर कोई इन्वेस्टर भी जो है वो इन प्रॉपर्टी को बाय करना चाहता है तो ये बहुत ही कमाल का टाइम है कि वो इन प्रॉपर्टी को बाय करे और कुछ टाइम जो है वो टेक करके इसको या तो रेंट पे दे सकते हैं। अगर आप रेंट पे नहीं इसको देना चाहते तब भी आप सेल करके कुछ टाइम के बाद एक अच्छा ROI जो कि एक जम नीचे की तरफ आया तो एक अच्छा ROI जो है वो आप कमा सकते हैं। इसके साथ कोई भी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो विलाज़ के हवाले से या फिर प्लॉट्स के हवाले से या फिर कमर्शल प्रॉपर्टी के हवाले से या फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू।